तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपनी चैनल कानवी टेक में। और दोस्तों इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कैल्विनेटर का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, और ये काफ़ी अच्छे लुक में आता है दोस्तों, 2 स्टार रेटिंग के साथ आता है। क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या इसके अंदर लुक में आपको कैसा दिखेगा, पूरा दिखाऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं, मॉडल नंबर और इसका प्राइस भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप इसे बाय भी कर सकते हैं, इसका प्राइस काफ़ी बढ़िया है। तो पहले देख लेते हैं इसका डिज़ाइन। डिज़ाइन की बात की जाए तो देख सकते हैं आप, डोर के ऊपर एक आपको पॉकेट हैंडल मिल जाएगा, पॉकेट हैंडल से भी आप इसका डोर ओपन कर सकते हैं, और नीचे के साइड एक और हैंडल मिल जाएगा जो भी काफ़ी लुक में काफ़ी अच्छा है, कर्वी डिज़ाइन है और ऊपर ग्लास फिनिश है, तो ये काफ़ी लुक में काफ़ी अच्छा लगता है इसका हैंडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लावर डिज़ाइन बना हुआ है, मरून कलर है, मरून कलर के में आता है और पिंक कलर का फ्लावर डिज़ाइन है। और यहाँ पे ऊपर की साइड आप देख सकते हैं 12 ईयर वारंटी, ये इसका कंप्रेसर का वारंटी है, 1 ईयर का इसका मैन्युफैक्चर वारंटी आएगा और 12 ईयर कंप्रेसर, और इसमें स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नो स्टेबलाइज़र रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 2 स्टार रेटिंग है, और स्टार रेटिंग में आप देख सकते हैं 185 यूनिट्स पर ईयर ये कंजप्ट करता है, तो पावर कंजप्शन में भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये है कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मरून कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और इसका प्राइस काफ़ी काफ़ी कम है, आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। इंटीरियर में आप पहले ही देखें तो इसका सबसे फेवरेट पार्ट, इसका मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है ये इसका फ्रीज़र, जो कि है जंबो फ्रीज़र। आपको किसी भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में इतना बड़ा फ्रीज़र नहीं मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फ्रीज़र कितना बड़ा है। ये देख सकते हैं जंबो फ्रीज़र इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, देखिए आप फ्रीज़र में फ्रीज़र का पार्ट कितना बड़ा दिया गया है। मैं अगर इसमें अपना हाथ रख के बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रीज़र काफ़ी बड़ा है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको जंबो फ्रीज़र देखने को मिल जाएगा, 2 ट्विस्टेड आइस ट्रे मिल जाएगा आपको इसके अंदर, यहाँ पर आप ट्विस्ट करके पूरा आइस इस बकेट के अंदर निकाल सकते हैं, और अलग से भी अगर आप रखना चाहते हैं तो आइस ट्रे रख सकते हैं। नीचे की साइड आपको चिलर ट्रे मिल जाएगा, और चिलर ट्रे के साथ साथ आपको नीचे में शेल्फ मिल जाएगा। चिलर ट्रे आप यहां पे देख सकते हैं, दूध है, आप चीज़ है, पनीर या कुछ भी ऐसा है आप वहां पे रख सकते हैं। नीचे के साइड 2 शेल्फ्स है, और वो एडजस्टेबल शेल्फ है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं आपकी यूसेज के हिसाब से, ठीक है यहाँ पर। और ये टफन ग्लास है, तो काफ़ी बढ़िया सा मटेरियल आपको, एकदम टफ मटेरियल आपको मिल जाएगा टफन ग्लास में, 2 शेल्फ मिल जाएगा। अगर नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे आपको एक नॉब मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ से टेम्परेचर प्लस माइनस कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, तो ये नॉब मिल जाएगा। और इसके पीछे के साथ एक LED बल्ब मिल जाएगा, पुराने बल्ब में पूरा ज़्यादा नहीं दिखता था, लेकिन LED बल्ब में आपको पूरा फ्रिज में आपको पूरी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे अगर आप डोर की बात करें तो यहाँ पे पूरे ऊपर एक शेल्फ मिल जाएगा, वहाँ पे एक ट्रे है, नीचे की साइड 2 अलग अलग शेल्फ मिल जाएगा आपको, हाफ हाफ, और एक छोटी बॉटल्स के लिए एक शेल्फ है और बड़ी बॉटल्स के लिए नीचे एक शेल्फ है, यानी बॉटल्स के लिए आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा इसके डोर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको अंदर देखने को मिल जाएगा, और इसका स्पेस काफ़ी बड़ा है। अगर आप नॉर्मल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के मुकाबले देखें तो इसका स्पेस काफ़ी बढ़िया दिया गया है। तो दोस्तों ये था कैल्विनेटर का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, और होप दोस्तों ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम नई नई प्रोडक्ट्स के वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।